मध्य प्रदेश की बाकी 18 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के आज नाम फाइनल हो रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि कुछ प्रत्याशियों के नाम की चर्चा हुई है जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। दिग्विजय सिंह राजगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं, वहीं अरुण यादव गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनौती दे सकते हैं। वहीं कांतिलाल भूरिया रतलाम झाबुआ पर मोहन सरकार में मंत्री नागर सिंह चौहान की पत्नी अनीता नागर सिंह चौहान को चुनौती दे सकते हैं और अक्षय कांतिबम शंकर लालवानी के खिलाफ इंदौर से नए चेहरे होंगे। शहडोल से फुंदेलाल मार्को को टिकट मिल सकता है। शहडोल से बीजेपी ने मौजूदा सांसद हिमाद्री सिंह पर ही भरोसा जताया है। इनके नामों पर सीईसी की बैठक में चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है, कांग्रेस का तीन बड़े नेताओं पर दांव लगाना तय है। सिंधिया के खिलाफ अरुण यादव, राजगढ़ से दिग्विजय, रतलाम झाबुआ से कांतिलाल भूरिया का चुनाव लड़ना लगभग तय है। बताया जा रहा है कि प्रदेश की 12 सीट तय हो गई हैं, 6 सीट पर दो नामों को लेकर फिर से पैंच फंस गया है। जल्द ही कांग्रेस शेष नामों का ऐलान कर सकती है। क्या राजगढ़ से दिग्गी राजा इस बार चुनाव जीत पाएंगे? पिछली बार वह भोपाल से 5 लाख वोटों से हारे थे, तो आपको क्या लगता है, क्या इस बार दिग्गी राजा जीत पाएंगे राजगढ़ से? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।